पंजाबी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कई खबरें हैं जो लगातार सुनने में आ रही हैं। कुशल इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अपने पीछे कई तरह के सवाल छोड़ कर गए हैं। वो सवाल जिनके जवाब उनका परिवार जानना चाहता है, वो सवाल जिनका जवाब कुशल पंजाबी के दोस्त जानना चाहते हैं, वो सवाल जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश कुशल के हजारों चाहने वाले कर रहे हैं। टीवी एक्टर कुशल पंजाबी, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और किन परिस्थितियों में कहा, आखिर क्यों कहा, क्यों नहीं अपने मन की बात किसी के सामने आने दी, क्यों नहीं अपने चेहरे का गम लोगों के सामने आने दिया, इन सवालों का जहां एक तरफ नहीं मिल रहा है कोई भी जवाब, वहीं खबर आ रही है कि कुशल पंजाबी अपनी जिंदगी का अंत कर देने से पहले 22 दिसंबर को शंघाई गए थे। जी हां, 27 दिसंबर को कुशल ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया और ठीक 22 दिसंबर को वो अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिलने शंघाई गए थे। कुशल पंजाबी के दोस्त, उनके चाहने वाले अब तक इस मुलाकात के पीछे की वजह जानना चाहते हैं और मुलाकात के ठीक बाद कुशल का इस दुनिया से चले जाना लोगों के जहन में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बता दें आपको, इस अंतिम मुलाकात को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। 22 दिसंबर को कुशल पंजाबी किसी खास मकसद के साथ चीन के शंघाई गए थे। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को कुशल के शंघाई जाने के पीछे की वजह पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइज था। दरअसल कुशल अपने बेटे कियान को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे और वो चाहते थे कि बस किसी तरह अपनी पत्नी को शंघाई से मिलाकर वापस ले आए। कुशल चाहते थे कि उनकी पत्नी, जो बेटे को लेकर शंघाई चली गई है, कुशल का फोन नहीं उठा रही, वो बस किसी भी तरह से मान जाए और कुशल अपनी पत्नी और अपने बेटे को वापस लेकर मुंबई आ जाए। इस अंतिम मुलाकात में कुशल ने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन ऑड्रे कुशल की बात को मानने से इनकार कर रही थी। खाली हाथ कुशल बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे शंघाई, लेकिन वहां से जब खाली हाथ लौटे, इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।